पनीर के फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनका सेवन शुगर को कम करने, अनिद्रा की समस्या को दूर करने और त्वचा के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में भी पनीर के फूल का इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। पनीर के फूल को पनीर डोडा के नाम से भी जाना जाता है। पनीर डोडा सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अधिकतर डाइटिशियन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए पनीर डोडी के फूल को डाइट में शामिल करवाते हैं। खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कई कारणों की वजह से शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। शुगर से शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। डायबिटीज की समस्या उन लोगों में होने की आशंका अधिक रहती है जो ज्यादा मोटे होते हैं और जिनकी दिनचर्या अनियमित होती है। पनीर डोडा का इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानने से पहले इसके अन्य फायदों के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज आज के समय में सबसे आम बीमारी है। इसमें कई प्रकार के चयापचय संबंधी विकार शामिल होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल में वृद्धि का कारण बनते हैं। यह समस्या तब पैदा होती है जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाते। हम जो खाना खाते हैं वह शुगर में टूटकर खून में मिल जाता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन को छोड़ने का संकेत देता है। खास तौर से डायबिटीज रोगियों को अक्सर अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आयुर्वेद में बहुत सारे प्राकृतिक अवयवों का प्रयोग किया जाता है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए वरदान से कम नहीं। ऐसा ही एक उपाय है पनीर के फूल। इसे भारतीय रेनेट या पनीर डोडा के रूप में भी जाना जाता है। पनीर के फूल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं जो अपने औषधीय गुणों के लिए काफी पॉपुलर है और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद भी है। अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं तो इस फूल का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में किया जा सकता है। डोडा फूल शुगर की जड़ी बूटी है। मधुमेह के रोगियों के लिए पनीर के फूल बहुत फायदेमंद है। पनीर फूल इंसुलिन के बेहतर उपयोग के लिए पेनक्रियाज के बीटा सेल को ठीक करता है। अगर मधुमेह के रोगी इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो मधुमेह पर काबू पाया जा सकता है। आजकल मानसिक व शारीरिक अशांति, तनाव और चिंता जैसे कई कारणों के चलते लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं। यदि इस अनिद्रा का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह कई तरीके के मानसिक रोगों को जन्म दे सकती है। यह समस्या कुछ लोगों को कुछ हफ्तों या कुछ दिनों तक रहती है, जबकि कई लोगों को यह समस्या महीनों महीनों तक रह सकती है। इसलिए यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं और इसे जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पनीर डोडा इसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। पनीर फूल में अनिद्रा की समस्या से छुटकारा दिलाने वाले कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इस समस्या से आपको बचा सकते हैं। आज के समय में मोटापा गंभीर समस्याओं में से एक है, जिसे सिर्फ अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव करने के साथ साथ सही प्रकार के खान पान का सेवन करके ही नियंत्रित किया जा सकता है। कई लोग वजन घटाने के लिए व्यायाम, योग करते हैं परंतु सही प्रकार के खान पान का सेवन नहीं करते, जिसकी वजह से मोटापा कम नहीं हो पाता। लेकिन आज के वक्त कई लोग पनीर फूल वेट लॉस के लिए पसंद करते हैं। यदि आप भी मोटापे से जूझ रहे हैं तो पनीर के फूल इस समस्या में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। पनीर के फूल में कुछ ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो मोटापा कम करने में सहायक है। पनीर में एथेनॉलिक अर्क होता है जो मोटापे की समस्या से लड़ने में सहायक होता है। कई लोग त्वचा संबंधित कई समस्याओं जैसे पिंपल, एक्ने, झाइयां, झुर्रिया आदि समस्याओं से परेशान होते हैं और इस समस्या के उपचार के लिए अधिकतर लोग कई प्रकार के टोनर, फेस मास्क आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तमाम उपचार के बाद भी वह अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाते। ऐसे में त्वचा संबंधी समस्याओं में भी पनीर के फूल के फायदे सामने आते हैं। यदि आप प्राकृतिक तरीके से अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पनीर फूल का उपयोग कर सकते हैं। पनीर के फूल में एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, इसलिए यदि आप पनीर के फूल का पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो इससे आप अपनी त्वचा संबंधित कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। गलत खान पान या खाने में ज्यादातर फास्ट फूड का सेवन करने से लीवर संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। यदि लीवर जैसी समस्या का समय पर इलाज ना कराया जाए तो लीवर में इन्फेक्शन, लीवर के फेल होने जैसी समस्याओं का खतरा भी रहता है। लीवर की समस्या में पनीर फूल के फायदे सामने आते हैं, जैसे इसमें मौजूद हेपाटोप्रोटेक्टिव गुण लीवर को डैमेज होने से बचाता है। यदि लीवर से संबंधित पुरानी से पुरानी बीमारी भी हो तो उसे भी यह पनीर के फूल ठीक कर सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पनीर डोडी का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। डायबिटीज के पेशेंट 10 से 12 पनीर के फूल को रात के वक्त 100 ml पानी में भिगो कर रख दे। सुबह पानी को छान ले और पनीर के फूल को दबाकर उसमें से पानी निकाल ले। अब इस पानी को खाली पेट पिए। इसके इस्तेमाल से आपके शुगर की समस्या में आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर आप पनीर डोडा को खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर पनीर डोडा खरीद सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।